सो वी वर डूइंग क्या करा था हम लोग वेट्स एंड देयर मूवमेंट वेट्स एंड देयर मूवमेंट मैंने आपको क्या बता दिया था कि अगर हमारी अर्थ पे देयर इज नो मूवमेंट तो क्या होता अर्थ कैसे करती काम बताओ जल्दी से नहीं तो फूट दिए जाओगे इक्वेटर टू पोल पोल टू इक्वेटर क्या होता है एयर आइस ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया था जीरो डिग्री इक्वेटर 90 डिग्री पोल इफ द अर्थ वॉज नॉट मूविंग देन द मूवमेंट ऑफ द विंड वुड बी लाइक दिस दैट द विंड दैट विल राइज फ्रॉम इक्वेटर राइज करने के बाद ट्रोपोपॉज तक जाएगी ट्रोपोपॉज पे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है तो यहाँ क्या होगा मैकेनिकली हाई प्रेशर बन जाएगा मैकेनिकली हाई प्रेशर बनते ही विंड कैसे मूव करने लगेगी पोल पे पहुंचते ही यहाँ पे क्या होगा मैकेनिकली लो प्रेशर हाई प्रेशर बनने के बाद ठंडी होते होते नीचे आएगी और हाई प्रेशर बन जाएगा ना हाई प्रेशर बनेगा तो क्या होगा विंड अपवर्ड मूव कर गए कुछ ऐसे काम कर रही रियल सिचुएशन क्या थी कि जब हमारी अर्थ स्टेशनरी हो बट अवर अर्थ इज नॉट स्टेशनरी तो क्या हुआ इसके लिए मैंने आपको जीएस ट्रॉफिक विंड का एक फिगर बताया था ट्रॉफिक विंड्स बताई थी जीएस ट्रॉफिक विंड्स में क्या बताया था कि अगर हमारे अर्थ पे नीचे टेम्परेचर हो -80 डिग्री इक्वेटर पे और ऊपर क्या है 90 डिग्री पोल यहाँ पे टेम्परेचर है -45 डिग्री टेम्परेचर ये हो तो टेम्परेचर क्या बता रहा है नीचे कैसा प्रेशर है हाई प्रेशर है या लो प्रेशर हाई प्रेशर नीचे हाई प्रेशर है और ऊपर लो प्रेशर एंड द विंड विल मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या होगा ऊपर कुछ ऐसे दिखाई तो क्या होगा जब विंड्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं तो विंड्स में कौन सा फोर्स काम कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है और विंड को डायरेक्शन दे रहा है लेकिन जैसे ही ये काम कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ एक फोर्स और काम करता है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स क्या करता है ये हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ठीक है नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स एक्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड तो कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए तो जब ये कोरियोलिस फोर्स राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है क्या करता है इट विल बेंड द विंड राइटवर्ड जैसे कर देगा ठीक है लेकिन अभी भी जो विंड का डायरेक्शन किधर को जाना चाह रहा है ऊपर 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 की तरफ ऊपर ना चाह रहा है इच्छा है तो लेकिन अभी भी ये ऊपर की तरफ मूव करना अगेन क्या होगा यहाँ पे भी कोरियोलिस फोर्स काम करेगा कोरियोलिस फोर्स फिर से वही राइट डायरेक्शन में तो इस बार क्या होगा विंड का डायरेक्शन धीरे से पूरा राइट डायरेक्शन एक ऐसी स्टेट आती है जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं भाई पोल के पास कौन सा फोर्स जाता है सॉरी पोल के पास कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के पास प्रेशर ग्रेडियंट तो जैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं इनकी पावर यहाँ पे आके बैलेंस हो जाती है और यहाँ पे क्या हो रहा है अगर ये क्या है द विंड्स विल स्टार्ट ईस्टवर्ड मैं फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता फ्रिक्शन फोर्स आपके पास ज्यादा लगता है सरफेस के पास इस केस में मिलेगा ठीक है तो क्या होगा विंड विल स्टार्ट टू मूव ईस्टवर्ड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन ये बात भी हम बता चुके थे आपको तो देखो 30 डिग्री पे क्या हो रहा है विंड्स ईस्टवर्ड चलना स्टार्ट कर देती है सिमिलरली जब आप साउथ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तब भी क्या होगा ईस्टवर्ड वहां भी विंड्स ईस्टवर्ड मूव कर फिर देखो लेकिन अभी हमारी अर्थ क्या है मतलब मूव करती ना
विंड्स जब मूव की तो यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर थर्मली, लो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, थर्मली, थर्मली, तो यहाँ से विंड्स क्या होंगी, उठेंगी ऊपर की तरफ, चलिए ऊपर की तरफ बोले तो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी और कहाँ पहुंचेंगी, ट्रोपोपॉज तक पहुंचेंगी, और ट्रोपोपॉज पहुंचने के बाद क्या होगा, अब इनको ऊपर जाने की जगह नहीं है तो ये क्या होगी, ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट, ये क्या है, मैकेनिकली कहाँ पहुंची, अप टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे मैंने आपको बताया था जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की कहाँ थी, 30 डिग्री पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है, आपने फिगर में देखा होगा लास्ट क्लास में, 30 डिग्री पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन जा रही थी, अब वहां पे क्या है, स्पेस है किसी और विंड को जाने की, नहीं, वो लगातार विंड घूम रहे हैं, तो भैया यहाँ पे क्या है, इनको स्पेस नहीं मिल रहा, ऊपर जाने को स्पेस नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेंगी, जहां रास्ता हो वहां, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, मैकेनिकली हाई प्रेशर को क्रिएट होगा, और यहां से भी विंड, यहाँ पे क्या होगा, विंड कुछ नीचे की तरफ जाएंगी और कुछ ऊपर, कोई दिक्कत है, अभी यहां पे आपको याद होगा ये पोल है, पोल पे ये फिनोमिना तो होता ही है, ये कैसा है, हाई प्रेशर, थर्मली हाई प्रेशर है, विंड्स खूब सारी कलेक्ट हो जाती है, अभी क्या हो रहा है, ये 30 डिग्री से इधर मूव कर रही है और ये इधर 90 डिग्री से, तो कहें चलो दोनों लोग बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 60 डिग्री पे आ जाते हैं, 60 डिग्री पे आए, 60 डिग्री पे आए तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि 30 डिग्री से विंड्स मूव की और इधर 90 डिग्री से विंड्स मूव की, विंड्स मूव की आपस में टकरा गई, टकराने के बाद क्या, विंड के पास स्पेस तो बचा नहीं, तो क्या होगी, विंड ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी, जब विंड्स यहां चली गई तो यहां कैसा क्रिएट होगा, लो प्रेशर, वो भी कैसा, मैकेनिकली, अब ये विंड्स क्या गई ऊपर, ऊपर जाने के बाद ऊपर कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगी, आधी चल गई, आधी इधर गई और आधी, और इस तरीके से क्या हो जाते हैं, तीन सेल्स बन जाते हैं, और इन सेल्स का नाम क्या है, पोलर सेल, हेड सेल, दिस इज हेडलेस, हेडलेस सेल, देन फेरल सेल, फेरल सेल, एंड दिस वन इज पोलर सेल, पोलर, ये समझ में आ गया, इसमें कोई इश्यू हो इसको नोट कर लो, कर लिया, नाउ नेक्स्ट, अच्छा उस फिगर में आपने देखा 90 डिग्री पे क्या था, पोलर सेल हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, 90 डिग्री को फिगर में देखो, हाँ ठीक है, क्या है 90 डिग्री पे क्या है, पोलर हाई प्रेशर हाई, और क्यों क्रिएट होगा, ड्यू टू थर्मली होता है, थर्मली हुआ है, देन नेक्स्ट वन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सब पोलर, और कैसा क्रिएट हुआ, मैकेनिकली लो प्रेशर, लो प्रेशर, और ये मैकेनिकली, मैकेनिकली, देन एट 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है, मैकेनिकली हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल है क्या, सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, मैकेनिकली, मैकेनिकली हुआ, ट्रॉपिकल ही, ठीक है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये कैसे क्रिएट हुआ है, मैकेनिकली, मैकेनिकली, देन 0 डिग्री,
इक्वेटर ये कैसा था? लो प्रेशर थर्मली लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर थर्मली ये सारे नोट कर लेना वही फिगर के साथ ही 0 डिग्री 90 डिग्री चलते हैं तो हमने क्या देखा अलग अलग रीजन से अलग अलग विंड्स चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फिगर बनाते हैं बड़ा सा वैसे बोला तुम लोग बनाना है एक है 0 डिग्री इक्वेटर इक्वेटर के बाद ऊपर बढ़े ठीक है थोड़ा 20 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऐसे ये किधर ही बन जाएगा फिर क्या बनेगा तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल 66 एंड हाफ नॉर्थ 23 एंड हाफ नॉर्थ 0 डिग्री इक्वेटर 23 एंड हाफ साउथ 66 एंड हाफ साउथ एंड 90 डिग्री साउथ पोल अब देखो इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं तो 0 से 10 डिग्री तक इसको क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर ये कैसी बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट फिर क्या होगा फिर आप 23 एंड हाफ इसके ऊपर जाएंगे तो यहां बीच में दो लाइनें और बनेंगी एक बनेगी 35 डिग्री और एक बनेगी 45 डिग्री ये क्या है 35 से 45 तो यहां 23 एंड हाफ से 35 डिग्री तक इसको क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कैसा है लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर है हाई प्रेशर क्या बनेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर अगर यहां हाई प्रेशर है तो यहां भी क्या होगा हाई प्रेशर प्रेशर इसको बनेगा यहां भी बनेगा क्या सब ट्रॉपिकल कोई दिक्कत है देन इसके बाद 66 एंड अ हाफ दिख रहा है 66 एंड हाफ जस्ट नीचे यहां आपको दिखाई देगा क्या सब पोलर और सब पोलर कैसा है लो या हाई लो लो यहां भी क्या होगा सब पोलर और ये कैसी है ये है पोलर हाई
लास्ट में क्या है? पोलर हाई। पोलर यहां लिख सकते हैं, पोलर हाई प्रेशर। तो देयर आर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट ऑन अवर अर्थ। हम क्या पढ़ते हैं? टोटल 7 प्रेशर बेल्ट हैं। कैसे? पोलर हाई, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई। टोटल कितनी हो गई? 7। सो देयर आर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट ऑन अवर अर्थ। फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल में कौन सी है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। फिर देन 66.5 पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देन जैसे नीचे आएंगे अगेन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सो देयर आर 7 प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है। अभी आपको क्या करना है? फिर से एक फिगर बनाना है। तो अभी आपने हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, पोलर सेल्स देखे थे। तो वहां पे आपने क्या देखा था? विंड्स क्या मूव कर रही थी? 30 डिग्री से इक्वेटर की तरफ जा रही थी, जा रही थी ना सरफेस पर। तो विंड्स कैसे मूव कर रही थी? कुछ ऐसे जाना चाहिए यार। और यहां से भी कोई दिक्कत? तो ये कितना क्या था भाई? यहां पे हाई प्रेशर बन रहा था और यहां पे लो प्रेशर बन रहा था, इसलिए क्या करे विंड्स ऊपर से नीचे आ रहे थे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी इनके साथ और कौन सा? ये तो प्रेशर ग्रेडिएंट है, और कौन सा काम कर रहा होगा? कोरियर फोर्स। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो किस डायरेक्शन में? राइटवर्ड्स। राइटवर्ड्स पक्का? तो राइट वर्ड कौन सा होगा? ईस्टवर्ड्स। कुछ ऐसे जाना चाहिए। तो विंड्स कैसे मूव करती है? ये वाली विंड्स मूव करती है इस डायरेक्शन में। ऐसे यहां भी है, यहां किस डायरेक्शन में काम करती है? यहां पे ये ऐसे काम कर रहा होगा लेफ्टवर्ड, सदर्न डायरेक्शन में। सदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन क्या है? लेफ्टवर्ड। तो विंड का एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा? दिस वन। कोई दिक्कत है? विंड समझ गए। फिर क्या हो रहा था? ये तो नीचे के साथ साथ ऊपर भी कुछ विंड जा रही थी, ठीक है? ऊपर भी जा रही थी, ठीक है, विंड स्लो कर रही थी ना। तो ये क्या है? ऊपर की तरफ जाना चाह रही होंगी, कोई दिक्कत है? जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो इन पे कौन सा प्रेशर काम कर रहा होगा? ये तो प्रेशर ग्रेडिएंट काम कर रहा था, साथ में और कौन काम करेगा? कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स किधर काम करता है? राइटवर्ड। तो राइटवर्ड काम कर रहा होगा, तो राइटवर्ड तुमको पता है कैसे? इधर की तरफ। देन द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड विल बी लाइक दिस।
यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा होगा। अब प्रेशर ग्रेडियंट अगर साफ कर दें सभी का, तो डायरेक्शन ऑफ विंड हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब दो फिगर बनाएंगे, पहले हम प्रेशर ग्रेडियंट के साथ बिना, और अगले फिगर में विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट। ये बात समझ में? फिर क्या है, पोल्स पे कैसा प्रेशर है? पोल्स पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही होंगी विंड, तो कैसे नीचे की तरफ आना चाह रहे हो? यहाँ से भी क्या होगा ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर नहीं बोलना है। पहली बात तो हम लोग को डायरेक्शन याद रखना है, ये जा रहे हैं साउथवर्ड, ये जा रही है नॉर्थवर्ड। ये बात क्लियर होगी सभी के लिए, याद रखना। ये भी क्या है, दीज आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड, दे आर मूविंग टुवर्ड्स साउथवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कोरिओलिस फोर्स किधर काम करेगा? राइटवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ विंड ऐसा होगा कुछ। और यहाँ पे लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड काम करेगा, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा प्रेशर ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। अभी देखो ये आपको फिगर क्लियरली समझ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ पे कैसे चल रही है? कैसे चल रही है? अब डायरेक्शन से याद है सर, अभी ये विंड जो चली है किधर से चल रही है? साउथ से, मतलब वेस्टवर्ड जा रही है भैया। हाँ मतलब वेस्ट साइड जा रही है। तो ये डायरेक्शन क्या है, अगर इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ये डायरेक्शन वेस्टवर्ड है, ईस्ट से, ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। हाँ। तो ये बोलेंगे हम इसको ईस्टर्नली, ठीक है, इधर जा रही है ईस्टर्नली। ऐसे ये वाली भी कहाँ जा रही है सारी विंड्स? ईस्ट में ही तो जा, ईस्ट से चल रही ना। ईस्ट जिस डायरेक्शन से चलती है हम विंड्स का नाम उसी में रखते, उसी के हिसाब से रखते हैं। तो ये भी कैसी है? ईस्टर्नली, ईस्टर्नली। ये कहां तक की बात कर रहे हैं? 0 से 30 के बीच की बात कर रहे हैं। 0 से 30 के बीच में कौन सी चलती है? ईस्टर्नली, ईस्टर्नली चलती है, कोई दिक्कत नहीं। और ये किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। तो क्या है, नदन सिस्टम, ये कौन सी है? सदन साउथ, साउथ वेस्ट, कोई दिक्कत यहां तक? ये नॉर्थ ईस्ट चल रही है, ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट चल रही है, यहां तक कोई समस्या है किसी को? अभी देखो, अब ये किधर से चल रही है, ऊपर वाली इस डायरेक्शन से चल रही है, वेस्ट से जा रही, तो वेस्ट से जा रही है, जिनका नाम क्या होगा? वेस्टर्ली, वेस्टर्ली, कोई दिक्कत? इधर को जा रही है, किधर से जा रही है? वेस्ट से जब जा रही है तो इनका नाम हो जाएगा वेस्टर्ली, वेस्टर्लीज। और ये वाली भी वेस्टर्ली, वेस्टर्लीज, अभी अच्छा देखो, ये चली थी ईस्टर्ली से, ईस्ट से चली तो ईस्टर्ली, और अगर वर्टिकली इनका डायरेक्शन देखे तो किधर से चली थी? ये चली थी आपकी नॉर्थ से, साउथ ईस्ट। ये वाला डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट, साउथ है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसलिए हमने इसको बोला था साउथ ईस्टर्ली। देखो स्टार्टिंग से देखते हम लोग, मैंने कहा कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो समझ में आ रहा है। अभी जो विंड्स चल रही है, अगर हम इनका हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन देखें तो किधर चल रही है? ऐसे जा रही है, तो ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, तो हमने नाम क्या रख दिया? ईस्टर्ली। इधर भी क्या हो रहा था, ये वेस्ट और ये ईस्ट है, तो हमने इनका नाम लिख दिया ईस्टर्ली। अब किस डायरेक्शन से चली थी, अगर वर्टिकली देखें हम इनका डायरेक्शन, साउथ, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, तो किधर से जा रही है? साउथ से जा रही, तो इनका नाम दिया हमने साउथ ईस्टर्ली। और ये वाली किधर चल रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली। जिस डायरेक्शन से विंड चलेगी हमें विंड का नाम भी वैसे। अभी समझ में आया?
तो अभी ये वाली कहां से जा रही थी? ये आपकी जा रही है साउथ से। साउथ से जा रही है और किधर को जा रही है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ तो चली किधर से होगी? साउथ से या वेस्ट से? वेस्ट से चली होगी ना। तो वेस्ट से चली तो वेस्टर्ली। वेस्टर्ली और किधर से? वर्टिकल डायरेक्शन साउथ। साउथ तो ये क्या नाम हो जाएगा? साउथ वेस्टर्ली। साउथ वेस्टर्ली। ऐसे ये वाली नॉर्थ से है ना, ऊपर से नॉर्थ वेस्टर्ली है तो वेस्टर्ली। ये नॉर्थ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये किधर को जा रही है? ये आपकी जा रही है ईस्ट की तरफ जा रही है। और किधर से चल रही है? पोल से चल रही है। इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्ली। इधर भी क्या है? पोलर ईस्टर्ली। कोई दिक्कत है? अभी विंड चलाना सीखे थोड़ा थोड़ा। आयुष तुम नहीं सीखे मुंडी झुका ली थोड़ा होल्ड करो। देखो इधर देखो इधर फोकस करके। अभी समझ में आ रहा? मैंने तुमसे कहा ये विंड दिख रही है? विंड दिखी तो ये वाला डायरेक्शन अगर हम इसको नॉर्थ कर दें और इसको साउथ कर दें कोई दिक्कत? तो ये साउथ से चल रही है तो हमने लिख दिया साउथ। ठीक है। ये कैसा है? वर्टिकल डायरेक्शन है कि ये नॉर्थ और ये साउथ है। ठीक है देख रहे हो ना? तो ये साउथ से चलेगी तो हमने क्या लिख दिया? साउथ। अच्छा हम वर्टिकली डायरेक्शन देखे देखा तो हमने नॉर्थ साउथ था। और ये हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे देखो एक लाइन खींच दो ये क्या वेस्ट हो जाएगा? ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो ये ईस्ट से स्टार्ट हुई और वेस्ट की तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो वेस्ट जिस डायरेक्शन की तरफ है वो डायरेक्शन हमें नहीं याद रखना। कहां से चली है? चली कहां से है? ईस्ट से चली ईस्टर्ली। ठीक है। इधर से ईस्ट से चली तो ईस्टर्ली और किस डायरेक्शन से? साउथ से। साउथ ईस्टर्ली। ठीक है। ऐसे ये वाली देखी हमने तो ये तो नॉर्थ है ये साउथ है। तो भैया पहले नॉर्थ लिख दिया कोई दिक्कत? और किधर की तरफ जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। लेकिन चली कहां से? ईस्ट से चली है तो ईस्टर्ली कोई दिक्कत? दूसरा देखो ये क्या है? ये साउथ हो जाए। अब इसके लिए तो ये साउथ है। ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है नॉर्थ। भाई ये वाली विंड देखोगे इसके लिए ये वाली जो डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो किधर की तरफ जा रही है? ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो चली कहां से होगी? साउथ से। साउथ से तो ये साउथ लिख दिया कोई दिक्कत? जा रही है नॉर्थ की तरफ लिखा चली है साउथ से तो साउथ लिख दिया। और क्या है? अब ये ईस्ट वेस्ट की बात करो तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चली कहां से? वेस्ट से। और किधर? ईस्ट की तरफ। तो किधर से चली है? वेस्ट से। फिर क्या हुआ? पोल से चली ये तो सीधे सीधे किधर जा रही है? वेस्ट। वेस्ट वेस्ट जा रही है। किधर से चली है? और जहां से चली होगी क्या रखेंगे उसका नाम? और कहां पे की बात कर रहे हैं? पोल्स की। तो ये क्या है? पोलर ईस्टर्ली। सिमिलरली नीचे भी क्या है? पोलर ईस्टर्ली। ये तो क्या है? विंड्स जब नॉर्मल कंडीशन में हो सन हमारा सेंटर में हो इक्वेटर के ऊपर। अभी कल हम आपको बताएंगे शिफ्टिंग ऑफ सन एंड प्रेशर वेल्ट। प्रेशर वेल्ट क्या होती है? हमारी शिफ्ट भी होती है। ठीक है तो आज तक आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल आपको प्रेशर वेल्ट शिफ्ट कराएंगे इनके साथ साथ और अलग अलग वेल्ट को नाम चेंज होगा। ओके गुड बाय।